देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय क्रूज फैशन एंड को स्पॉन्सर्ड बाय महल बैंकेट। महल बैंकेट, क्रूज फैशन। कुल्टी थाना क्षेत्र के न्यामतपुर फाड़ी अंतर्गत सीतारामपुर खान सुरक्षा महानिदेशालय पूर्वी अंचल के उप निदेशक विजय पाटिल के आवास में सोमवार की देर रात्रि ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान चोरी कर चोर फरार हो गए, जिसकी जानकारी मंगलवार की सुबह मिली, जिसके बाद स्थानीय न्यामतपुर फाड़ी पुलिस को सूचना दिया गया। उक्त घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच की। आज 4 तारीख रात में हम लोग यहाँ, मैं डीजीएमएस कॉलोनी का इंचार्ज हूँ, ऑफिस का इंचार्ज हूँ। हम कॉलोनी में करीबन 10 ऑफिसर्स रहते, ऑफिस का पीछे कॉलोनी है डीजीएमएस कॉलोनी में, उसमें बंगला नंबर 3 टाइप 5 में हमारा एक ऑफिसर रहता है मिस्टर विजय कुमार पाटिल। वो छुट्टी में गया था 2 तारीख से 11 तक। तो 4 तारीख रात में एक चोरी हुआ, डोर पूरा ताला फोड़ के चोरी हुआ। उसमें सुबह हमको जो माली आता है उन्हें बताया दिया था ताला तोड़ा हुआ बोल के, तो हम लोग आके देखे तो लगा है कोई चोरी हुआ। तुरंत अब 7 बजे हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, पुलिस वाला आया अराउंड 11 बजे आया। 11 बजे पुलिस वालों के साथ हम लोग भी जाके देखा है, घर में देखे तो 2 टीवी चोरी हुआ है और अलमारा पूरा खुला हुआ है। वो घर मालिक से हम फोन पे बात किए तो बताया अलमारा में गोल्ड आर्नामेंट्स कुछ है, उसमें अराउंड 40,000 का होगा। अभी हमारा को वहाँ जाके देखने के बाद वो सामान नहीं है, इसका हमको समझ में आता है वो 40,000 का आर्नामेंट्स गया, 2 टीवी गया, बट कपड़ा उठा पूरा निकाल के फेंका हुआ है, बट कपड़ा तो नहीं लेके गया, यही हुआ है। फिर अभी पुलिस को हमने कंप्लेंट दिया, देखते पुलिस कार्रवाई करेगा आगे का देखते हैं। रूप से नेशनल एंथम 9 के आप सबका ध्यान आकर्षण। मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी हर्षवर्धन जी, म्यांमार, अफगानिस्तान और भूटान से आए आदरणीय मंत्रीगण, दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी से जुड़े सभी साथी, विज्ञान भारती के प्रतिनिधिगण, देश के अलग अलग हिस्सों से जुटे स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, देवी और सज्जनों, आज आमी अपना देर साथे टेक्नोलॉजी माध्यम में मिली तो पहुंची ठीक ही, किंतु अपना देर उत्साह, अपना देर उद्दीपना आमी एकान थे के अनुभव करतो पार्थी। साथियों, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 5वां एडिशन ऐसे स्थान पर हो रहा है जिससे ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में मानवता की सेवा करने वाली महान विभूतियों को पैदा किया। ये फेस्टिवल ऐसे समय में हो रहा है जब 7 नवंबर को डॉक्टर सीवी रमन और 30 नवंबर को जगदीश चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाई जाए। साइंस के
इन ग्रेट मास्टर्स की लीडरशिप को सेलिब्रेट करने और 21वीं सदी में उनसे प्रेरणा लेने के लिए इससे बेहतर कोई सहयोग नहीं हो सकता। और इसलिए इस फेस्टिवल की थीम रीजन रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन तय करने के लिए आयोजकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर हैविंग रिकग्नाइज्ड द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट हैज बीन मेड बाय स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इट्स साइंटिस्ट। I am really beholden to him. He has put us at the top. He has made reference to the greatest of scientists state of West Bengal has produced. He has indicated the scientific temper the people have here. Rest you have seen. Thank you so much. मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों मुद्दे देंगे यार, हिंदी भी दे देंगे अंग्रेजी भी दे देंगे। दैट्स वेरी प्रॉब्लम। आई विल गिव इन बोथ द लैंग्वेजेस, डोंट वरी बट डोंट डिस्टर्ब। मुझे बहुत खुशी है कि कोलकाता की पवित्र धरती पर जहां बहुत देश और दुनिया के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने काम किया, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, श्री सी वी रमन, पी सी रे, मेघनाथ सहाय, एस एन बोस, और फिर वो पवित्र धरती जहां रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी महान हस्तियां भी इस धरती पर उनका कर्म क्षेत्र रहा, जन्म क्षेत्र रहा। यहां पर हमें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 5वें एडिशन को आयोजित करने का सौभाग्य मिल रहा है और उससे भी ज़्यादा हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के उद्घाटन के अवसर पर हमारे महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के 135 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है, उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में आए हुए हमारे नौजवान वैज्ञानिकों को और हमारे कल के वैज्ञानिकों को अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सभी देश भर से आए वैज्ञानिक, दुनिया भर से आए वैज्ञानिक, देश के गांव-गांव से आए हमारे विद्यार्थी और इसके साथ साथ विज्ञान से जुड़े हुए टीचर्स, इनोवेटर्स, साइंटिस्ट, सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई करता हूं। और कार्यक्रम का आयोजन करने में जिन जिन लोगों ने भी यहां पर सहायता की है उन सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। शिल्पांचल में यूँ तो कपड़ों की दुकानों की भरमार है, लेकिन रूप फैशन की बात ही कुछ और है, जहाँ लेडीज के लिए ऑल टाइप ऑफ साड़ी, लहंगा, कुर्ती, प्लाजो, गाउन, सूट, ऑल टाइप ऑफ जींस, वहीं जेंट्स के लिए फॉर्मल शर्ट, पैंट, टी शर्ट, बरमूडा, जींस मुनासिब कीमतों पर उपलब्ध है। साथ ही साथ पूजा ऑफर में 20% तक की छूट और अट्रैक्टिव गिफ्ट्स तो आज ही आए। हमारा पता है मुर्गा सॉल, जीटी रोड ऑपोजिट मालती मंगल प्लाजा, आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो
तो आज ही आए SK इंफोकॉम में। SK इंफोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इंफोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना? आज ही आना SK इंफोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। SK इंफोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, MC रोड, इतवारी मोड। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्यालय में JMM के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर BJP पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ के जल जंगल जमीन को कॉर्पोरेट के हवाले कर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का एक नया कानून लाया जा रहा है, इससे राज्य के लोग भयभीत हैं। राज्य में 14,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया, उसकी जगह नए शराब की दुकानें खोली जा रही है। छठ के शुभ मौके पर मुंबई से कलाकारों को बुलाकर फिल्मी गाने पर भाजपा के नेता झूम रहे हैं। भाजपा अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है, इसका हिसाब जनता लेगी। देखिए, आपका जब पेट भरा हो उस वक्त आपको यदि रोटी मिल जाए तो उसका स्वाद कुछ और होता, और जब क्षुदाग्नि हो पेट में तब जब रोटियां मिलती है तो बड़ा स्वादिष्ट होती है। तो जो थोड़ा बहुत लेट हुआ है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा संतुष्ट करने के लिए हुआ। अब तक 5 सालों तक जिन भी लोगों के हाथ में ये राज्य रहा उन्होंने इस राज्य की पहचान पे ही संकट ला दिया। लोगों की पहचान ही संकुचित कर दी गई। यहाँ का जल जंगल जमीन कॉरपोरेट के हवाले कर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा जो नया कानून लाने जा रहे हैं और फॉरेस्ट राइट एक्ट का जिस प्रकार से यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, उससे न केवल आज लोग भयभीत, आज केवल भयभीत और सशंकित ही नहीं, उनके बच्चों के लिए 14,000 स्कूलों को बंद करके यहां शराब की दुकानें खोली जा रही है। जो शराब की दुकानें खोलने का जो आहर्ता है उस आहर्ता को भी समाप्त कर दिया गया। विद्यालय महाविद्यालय के प्रवेश द्वार के ठीक सामने कोई ना कोई शराब दुकान विद्यार्थियों को लगता है कि स्वागत करने के लिए खोला गया। मंदिर से एकदम लगे हुए 10 मीटर का भी फासला नहीं, वहां पर शराब दुकानें हैं। अब तो इस राज्य सरकार ने इस राज्य के करोड़ों लोगों का जो आस्था है, जो पवित्र छठ महापर्व है, उस पर भी एक पाश्चात्य हमला कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, कल इसी समय इसी चैनल पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।